आप देख रहे हैं आज तक। आज भारत वर्ल्ड कप का आगाज करेगा। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा और दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी शुरुआती दोनों मुकाबले हार चुकी है, लिहाजा हर कोई यही कह रहा है जीतेगा तो इंडिया ही। क्रिकेट की कायनात को शिद्दत से इंतजार था इंडिया के एक्शन में आने का, ये इंतजार खत्म हो रहा है। किंग कोहली अपने दल बल के साथ साउथहैम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतर रहे हैं और उतर रही हैं करोड़ों उम्मीदें, करोड़ों दुआएं। आरजू बस एक है, जीत, जीत और जीत। When you do well, people obviously want to see you do well again and again because they want to see the team win. So my focus is again, if I'm in a position to be able to do that again, but more importantly make the team win, that will be my goal. यो तो ये मैच हाई प्रोफाइल है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक कद्दावर टीम है, क्रिकेट की दुनिया में इसका बड़ा नाम है, मगर काम फिलहाल चोकर्स वाला ही कर रही है। टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में इसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने पहले तो 311 रन कूट डाले और फिर 104 रनों से रगड़ दिया। चलिए वो इंग्लैंड थी, हद तो ये हुआ कि दक्षिण अफ्रीका टीम बांग्लादेश से भी हार गई, वो भी बड़ी हार। तूफान कहे जाने वाले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ बांग्लादेश ने भी 300 से ज्यादा रन ठोके, दरअसल पूरे 330। भारत इनकी हार में हैट्रिक जोड़ेगा, ये उम्मीद ही नहीं विश्वास बोल रहा है। विश्वास इसलिए नहीं कि ये हिंदुस्तान की टीम है, सच ये है कि आंकड़े ऐसा बोल रहे हैं। इसी इंग्लैंड में 2017 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक अगर किसी टीम की बल्लेबाजी का परचम लहराया है तो वो है टीम इंडिया। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने 33 शतक जमाए हैं। हाल के दिनों में घूम घूम कर धूम मचाने वाली इंग्लैंड से भी 10 शतक ज्यादा। कहने का मतलब ये कि जब बांग्लादेश तक ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को नहीं बख्शा तो विराट एंड कंपनी क्यों रहम दिखाएगी। रही बात गेंदबाजी की तो हारी बाजी तक को जीतना इन्हें आता है। दूसरी किसी भी टीम का अटैक इंडिया के आसपास तक नहीं है। बस एक चीज है जो दक्षिण अफ्रीका को राहत दे सकती है, वो है वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड। 4 में से 3 बार बाजी इन्होंने ही मारी है, यहां तक कि 2011 वर्ल्ड कप में भी वो भारत पर 20 रहे थे। इतिहास उनके साथ है तो वर्तमान भारत के साथ। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज भारत की टीम में, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज भारत का है, दुनिया का बेस्ट फिनिशर भारत में है, इसीलिए भारत भरोसे से भरा हुआ है। Look, we selected a side that gives us all kinds of options, depending on the conditions that we're going to play in. Somewhere you might see three seamers playing, somewhere you might see two wrist spinners, somewhere you might see a wrist spinner and a finger spinner playing together. So that's why we said we probably selected the most balanced side we could have selected. And यूं तो वर्ल्ड कप 30 मई से चल रहा है, मगर सही मायने में इसकी शुरुआत हो रही है अब जब टीम इंडिया उतर रही है। ये इंडिया वाले हैं, रन भी जमाएंगे और रंग भी जमाएंगे। साउथहैम्पटन में विक्रांत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।